मेरे तो हो गया था बस, पर ना दर्द बहुत ज्यादा हुआ था। ज्यादा टेस्टी लगता है मम्मी के हाथ से, टेस्टी लगता है खाना। दोबारा से यहाँ पे बीटाडीन लगा लिया। नमस्ते, राम राम, ठंडू ठंडू। ये गलती हुई ताकि अगली बार मैं गलती ना करे। अब बेटा मेरी उम्र हो गई, तुम बच्चे जाओ, बार बार सीढ़ी उतरना चढ़ना भी मुश्किल है। तो गाइस यहाँ पे हमारे जेठ जी भी आ गए हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। राम राम सभी को। मेरी पहली बार ऐसी खीर देखी, क्योंकि गुड़ वाली खीर कभी जिंदगी में नहीं ट्राई करी। कोई नहीं, कोई तो गाइस मैंने ना बहुत रोटियां बनाई है गाँव में अपने चूल्हे पे, तुम्हारे तवे में ना वो आग लगती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 7, मैं गोलू पहुंच चुके हैं जिम में और हम लोग कर रहे हैं सुबह सुबह अपनी जिम कंप्लीट, क्योंकि शाम को फिर ना हमें टाइम नहीं लग पाता और जिम जो हमारी ना स्किप हो जाती है। तो हमने सोचा है अब रूटीन में हम सुबह ही जिम करेंगे। सुबह जिम करने से एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग हम उठ जाएंगे, चीकू को भी रेडी कर देंगे, जिम भी हो जाएगी, फिर दिन की शुरुआत जो है वो अच्छी हो जाएगी, बच्चों को भी टाइम दे पाएंगे और सारे काम टाइम से कर पाएंगे, इसलिए हम लोग उठ जल्दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज बहुत ही प्यारा सूरज निकला है और सूरज के साथ मैं और पायल भी उठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में उठ के एकदम फ्रेश, थोड़े दिन की दिक्कत जरूर होगी पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो ये है गाइस मेरा आज का फुल लुक। तो गाइस जिम का वर्कआउट हो गया बिल्कुल डन, प्रोटीन हम लोग ले चुके हैं और बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह वर्कआउट करके। शाम को क्या है ना हमें थोड़ा आलस आ जाता है, पर सुबह दिन की शुरुआत जो हमने वर्कआउट से करी है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे आपको कपड़े दिख रहे होंगे, ये सारे कपड़े मैंने मंगाए हैं BMS किड्स 1 से, क्योंकि मैं अपने चारों बच्चों के लिए जो है कपड़े वहीं से मंगाती हूँ। उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होती है, वर्ल्ड वाइड शिपिंग होती है। हमें पता है आप इंडिया से और इंडिया के बाहर से हम लोगों को देखते हैं और हम लोगों से बहुत सारी चीजें देख के आप ऑर्डर भी करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। तूबा अयान जैद के साथ साथ मैंने यहाँ पे चीकू के लिए भी कपड़े मंगाया है। तो पहले सबसे पहले मैं चीकू का ही दिखा देती हूँ। तो इस बार मैंने विंटर्स के अकॉर्डिंग ना चीकू के लिए बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे कॉट सेट मंगाए जो कि मुझे भी आ जाएंगे इजिली। तो जब मुझे कहीं बाहर जाना होगा ना तो चीकू तो पहनेगा ही पहनेगा, मैं भी चीकू के जो कपड़े हैं ये पहन सकती हूँ। हुडी सेट मंगाया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, साथ में पॉकेट भी है और इसमें बहुत सारी मैंने स्वेटशर्ट्स भी मंगाई है, स्वेटशर्ट्स और बहुत सारे कॉट सेट्स मंगाए हैं। देखिए एक से एक आपको डिजाइन यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, मैंने ना लास्ट टाइम जो जितने भी ट्रैक सूट्स मंगाए थे ना उसके बाद ट्रैक सूट में ना बच्चे क्या होते हैं थोड़े मोटे मोटे ऐसे लगते हैं और इसलिए मैंने उनके लिए ना इस बार ये मंगाई है वूलन की स्वेटर सेट और बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर भेजी है। इस बार मैंने वेलवेट में भी बहुत कुछ मंगाया है, तो इस बार मैंने वेलवेट, क्योंकि वेलवेट ने जैसे लड़कियों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगता है ना, ऐसे बच्चों को भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगेगा, तो वेलवेट का भी हुडी सेट मंगाया मैंने। और फ्रॉक्स तो इतनी ज्यादा सुंदर आई है गाइस, सच में मैं बता नहीं सकती। तूबा के लिए ये छोटी सी अंतर, ये कोटी और साथ में ना इसके ये आई है पजामी, ऐसी और भी फ्रॉक्स आई है, मैं दिखाती हूँ आपको। एक फ्रॉक ये है, एक ये वाली तो बहुत, ये वाली तो गोलू को बहुत ज्यादा सुंदर लगी। और सबसे अच्छी बात है इन फ्रॉक्स के साथ ना पजामी है, तो हम जब भी फ्रॉक लेने जाते हैं ना तो हमें बाद में पजामी मैच करनी पड़ती है, फिर वो आधी मैच होती है आधी नहीं होती, पर इन फ्रॉक्स के साथ पजामी ऑलरेडी है। और एक और कॉटराइज सेट दिखाती हूँ आपको ना, वो तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। इसमें दो कलर थे, मैंने दोनों मंगा लिए। इसकी पैंट्स देखो कितनी प्यारी है, जब हमारे बच्चे पहनेंगे ना तो जबरदस्त लगेंगे, जबरदस्त। ये इसकी शर्ट है और बाकी जो है मैंने थोड़े मोटे मोटे, जैसे हम अगर कहीं कश्मीर वगैरह गए तो मैंने थोड़े मोटे मोटे ये भी मंगाए ट्रैक सूट्स बच्चों के लिए हुडी वाले, और ये अंदर से सच में बहुत ज्यादा वार्म है गाइस, बहुत ज्यादा। अगर आप लोगों को भी करनी है शॉपिंग तो जल्दी जाओ BMS Kids 1 पे, इनका इंस्टाग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी, वहां से आपको इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप वीडियो कॉल पे बात करके भी जो है कपड़े सिलेक्ट कर सकते हो, साइज की टेंशन मत लेना, आप सिर्फ अपने बच्चे का एक बार फोटो दिखा देना उनको, अकॉर्डिंग टू हिज साइज हर साइज वो कपड़े पूरे भेज देंगे। क्वालिटी की बिल्कुल परवाह मत करना, मैं गारंटी लेती हूँ क्वालिटी जो है वो बहुत ही बेस्ट आएगी। आपका एक क्वेश्चन था, जब आप कॉल करते हो तो पूछते हो भाई COD नहीं कर सकते हम, कैश ऑन डिलीवरी, ओ सॉरी COD करेंगे हम, पहले पैसे नहीं देंगे। तो देखो गारंटी मैं ले रही हूँ BMS Kids 1 की, क्योंकि मुझे हो गए पूरे पूरे 7 महीने वहां से कपड़े लेते हुए, और मैं कॉल पे सिलेक्ट करती हूँ, पे करती हूँ और सामान घर पे आ जाता है और बहुत ही अच्छा सामान आता है। तो जल्दी जाओ शॉपिंग करो। तो आज सुबह के बज गए 11 और अभी तक ना मैं जिम के कपड़े जो मैंने चेंज नहीं करे, बच्चे उठ गए थे बच्चों में लग गए, फिर घर की साफ सफाई, यहाँ पे जो कपड़े थे वो सेट करने लग गए, 2-3 चीजें करने लगी, पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कहाँ बीत गया। तो पहले क्या था बच्चों के साथ व्लॉगिंग करना बड़ा आसान रहता था, पर आजकल देखो कैमरे को ना पूरा पकड़ लेते हैं,
हाँ जी हाँ जी कुकु बाबू। तो तीनों बच्चे उठे हुए हैं, यान दूध पी रहा है, जो टूबू है मम्मा पास है, जैदू भाई नाई नहीं कर ले। ठीक है तो गाइस आप सोच रहे होगे कि नाक पे क्या लगा हुआ है। नाक पे ना बीटाडीन लगाई हुई है, क्योंकि ये जो मेरा नाक है ना, मेरा नाक बहुत मोटा है यहाँ से, और कल भैया ने हाथ से छेद करा हो, जब उन्होंने ऐसे किया ना, वो कह रहे नाक मोटी है जा नहीं रहा। मेरे तो हो गया था बस पर ना दर्द बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गन शॉट से ना कम दर्द होता है, हाथ से ज्यादा दर्द होता है। और हाथ से दर्द तब नहीं होता जब एक बार में हो जाए, पर मेरा एक बार में हुआ नहीं। ऐसे करा वो मास मतलब बाहर नहीं निकला, क्योंकि ये चीज मोटी है ना, तो दो बार लगा। पर कोई बात नहीं, देखो दर्द हुआ, एक दो दिन तो तकलीफ जरूर होगी, पर बहुत सुंदर लग रहा है। कौन सा स्टाइल है ये? किसकी स्टाइल थी ये? कुबड़ू की स्टाइल थी बाबू? मालिश वाली शीट है गंदी। गंदू बाबू कहाँ जाता है? तो इसको यहाँ थी तू भाई, यहाँ से यहाँ आ गई लड़की। नहीं गली बहुत ठंडू है, धक्की धक्की कर लो, मतलब कॉपी कॉपी पहन लो भाई। तो यहाँ पर ना मैं और चीकू कर रहे हैं नाश्ता, और दोनों साथ में कर रहे हैं। एक बाइट खाएगा चीकू, अब चीकू आप मुझे खिलाओ। देख रहा है मुझे, क्योंकि चीकू को गाइस मैं इसलिए खिला रही हूँ ना, चीकू पेंटिंग कर रहा है तो कह रहा है मम्मा मैं खुद खाऊंगा। मैंने कहा खा तो आप सकते हो, पर जब माँ खिलाती है ना तो बच्चा ज्यादा खाता है ना चीकू? ज्यादा टेस्टी लगता है मम्मी के हाथ से, टेस्टी लगता है खाना। नाइस मॉर्निंग चीकू, आपको नहीं पता बेटा सुबह सुबह जो नाश्ता होता है ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारा डे होता है ना वो इतना ज्यादा टायरिंग होता है कि हमें जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी करना चाहिए हमेशा। मैं हैवी हो गया, इतने में हैवी हो जाता है मेरा। तो भाई ये टूबू की नई फ्रॉक, नाइस नाइस बम बम फ्रॉक, बहुत ही सुंदर है। टूबाली गुगली फाई। तो टूबा के दोनों भाई बहन शो, भाई बहन कह रही हूँ, दोनों भाई सोई सोई कर ले। तू वो नहीं करता, तू बुलानू अन्ना ए सोना। तो गाइस आज ना एक फायदा हो गया सुबह उठने का। क्या फायदा हुआ कि ना हम जब उठे ना, तो मैंने जिम से आते ही ना मतलब कि 8:30-9 बजे के करीब ना बच्चों के लिए डिश प्रिपेयर कर दी थी, और जैसे ही बच्चे उठे ना उन्हें बहुत पसंद आया। क्या डिश थी मैं उस टाइम ना व्लॉग नहीं ले पाई, क्योंकि क्या होता है कि ना कभी कभी ना बहुत सारे काम होते हैं, आप काम भी कर रहे हो, आप व्लॉग भी बना रहे हो, कैमरा भी संभाल रहे हो, तो दोनों चीजें ना मुश्किल हो जाती है। मैं ऐसे वर्बली बता देती हूँ, मैंने कुकर के अंदर छोटे छोटे आलू चॉप करे वो, और लाल पीली दाल और जो खीर वाले चावल होते हैं वो, ये तीनों चीजों का ना अच्छे से ना मैश कर लिया। जब मैश कर लिया सीटी लगवा दी, उसके बाद मैंने घी का तड़का लगाया और उसमें हल्का सा हल्दी और काला नमक डाला, और बच्चों को ना आजा बाबू, और बच्चों को इतना ज्यादा पसंद आया ना, मजा आ गया। और जो नेक्स्ट डिश है मैं बच्चों के लिए प्रिपेयर करी है, उसका नाम है एप्पल एंड ओट्स डिश। तो वो जो रेसिपी है ना वो मैं पक्का दूंगी, मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ, वो भी डिश पक्का बच्चों को पसंद आएगी। मतलब मेरा ये चीज है कि ना मैं हर दिन ना बच्चों के लिए नई नई चीजें ना गूगल पे देखती हूँ, गूगल पे देख के ना सारी ना डिशेस निकालती हूँ और वो मैं सेव कर देती हूँ, शांति को भेज देती हूँ, शांति सारी तैयारी मेरी कर लेती है, कुछ सामान निकालना होता है निकाल देती है, फिर मैं बना देती हूँ। तो गाइस अभी मैंने दोबारा से यहाँ पे बीटाडीन लगा लिया, क्योंकि क्या है ना नाक बिल्कुल भी पकना नहीं चाहिए, और अगर पक गया ना फिर बहुत दिक्कत रहती है दोबारा से, मतलब उसको ये नोजपिन को हटाओ फिर दोबारा छेद कराओ, मेरे बस की नहीं है बार बार करवाना, एक ही बार बड़ी मुश्किल से हिम्मत हुई है। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ चीकू के पापा के साथ फार्म, तुलसी फार्म, क्योंकि हम जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो कल रिलीज हुए थे, शक्ति रिलीज हो गई, साथ में मोती रिलीज हुआ, और बिना न्यू डॉग्स आए हैं, तो मैं जाकर सबसे मिल के आती हूँ, अपने बर्ड से मिल के आती हूँ, अपने सम्राट से मिल के आती हूँ। तो बस अब निकल रही तुलसी फार्म के लिए। तो गाइस जिम करते ही मैं सो गई थी, और मैंने आज बहुत अच्छी नींद पूरी करी है, क्योंकि कल भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, कल भी मैं बहुत लेट सोई थी, तो अभी जो है मेरी नींद पूरी हो गई। तो मैं जा रही हूँ नहाने, और आज मुझे करनी है छठ पूजा की बहुत सारी तैयारी, क्योंकि मैंने जो किसी से पूछा है उन्होंने पूरी तैयारी मुझे बता दी है, आज जो भी बनना है वो बनवाऊंगी, ठेकुआ वगैरह बनाऊंगी, और उसके बाद कल जो है हम फास्ट रखेंगे, और वो हमारा फास्ट खुलेगा मंडे को। मंडे को जब हम जाएंगे वहां पे अर्घ देंगे, उसके बाद हमारा फास्ट खुलेगा, तो उसकी सारी तैयारी करनी है आज। तो गाइस दोपहर के बज गए हैं 2, और जस्ट अभी मैं फार्म से आई हूँ, और बस अब जाकर ना शावर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जिम के बाद बच्चों को देखने लग गई थी, और अभी आई हूँ सारे बच्चे जाग रहे हैं, मम्मा को देख ले। हाँ भाई नमस्ते, राम राम, राम राम तुबा, बाल पकड़ रही थी। ऑफ ड्यूटी की मंगाई है? हाँ मुझे बहुत पसंद आया था ये ब्रांड जो मैंने पहनी थी उस दिन है। हाँ तो गाइस मैंने इसकी 2 पैंट मंगाई थी, गोलू के लिए और मेरे लिए, और गोलू ने भी, गोलू मुझे इसका कलर बहुत वो लग रहा है यार। क्या तुझे नहीं लग रहा? व्हाइट है बाबू, ऑफ व्हाइट लग नहीं रहा गोलू, गंदी गंदी लग रही है बहुत ज्यादा। हाँ जी कागल लिए, कैमरा दे दू? ठीक है ये लो, ले लो ले लो ले लो ले लो कैमरा ले लो, व्लॉगिंग कर लोगे? अभी नहीं कर सकते। हाँ जी आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, खुशी आ जाओ, क्यों नहीं आ ले जय आ जाओ भाई।
नहीं भाई ध्यान रखियो, ध्यान रख रही हूँ मैं। इसके टॉय पे नजर है, अपनी टॉय यहाँ फेंक दिया, दो आपका टॉय। अच्छा तो आपका टॉय भी अच्छा नहीं लगा, भाई का टॉय लेना है। तकली की टाट पे लग जाएगा पकड़, अभी भी सोच रहे हैं। देख 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 उसके मुंह पे चल रहा है। एक तो इसको पेंट करना है, इसको कहाँ से पहले फ्रंट से, फ्रंट और अंदर से दोनों से कर ले। ठीक है ओके। और इसके लिए मुझे लाल कपड़ा चाहिए, वो हम सुबह ले आएंगे लाल कपड़ा। ओके। और सारी जितनी तेरी बिंदी बहुत बड़ी लगाई है पर अच्छी लग रही तेरी फेस पे। जितने भी हमने ये सारे फ्रूट्स लिए थे ना, इनको धो के अच्छे से थाल में रख लेते हैं। ऊपर छत पे पहले पूरे ना कल की तैयारी कर लेते हैं, झाड़ू पोछा अच्छे से करके पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। हाँ ऊपर छत की, और ऊपर ही करेंगे पूजा, क्योंकि नीचे लोग जूते उतते चप्पल ऊपर लेके आते हैं, मुझे वो नहीं करना। ठीक है। और गाइस ऊपर क्या है, कल ही ना हमारे ना छत पे पूरे पौधे लगे, बहुत ही सुंदर लग रही है छत ना, बहुत सुंदर। तो एक काम करते हैं, झूला भी साइड पे करके ना खुद से ऊपर साफ सफाई कर लेते हैं। कारपेट मंगवा लेती हूँ झाड़ू पोछा करके। और पता है हमें जब अर्घ देने के लिए पानी की जरूरत होगी ना, तो हम ऐसा करेंगे एक बड़ा टब लेके टब में पानी डाल देंगे इतना इतना, और अच्छा। खड़े हो जाएंगे अर्घ देने के लिए। ठीक है। बाहर जाने से अच्छा ना, क्योंकि बाहर हम जा पाए ना जा पाए टाइम पे, तो घर पे कर लेंगे। जो ठेकुआ है ना, मैंने आंटी से भी पूछा ठेकुआ बनेगा कल, तो हम सुबह 4 बजे से फास्ट रखेंगे और हमारा फास्ट खुलेगा कल के दिन पूरा रहेगा। मैं समझ गई हम लोगों को क्या करना है। सूर्य उदय से पहले उठना है, सूर्य उदय पे फास्ट स्टार्ट होगा, सूर्य अस्त पे हमारा जो फास्ट है वो समाप्त होगा नेक्स्ट डे। अच्छा 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 ठीक है, समझ गई। मतलब 24 समझ में आएगा तो फिर एक बार फिर फोन कर लेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, पूछ लेंगे। अगली बार तो फिर पूरा अच्छे से करेंगे। बाप बता, हम ये थाली टोकरा और सूप भी तो लाए थे, सूप का है यार पता नहीं, दोस्त लिए थे हमने तो। दो सूप, एक तेरा एक मेरा, मुझे वर्क देना है ना। हां पता नहीं कहां गया। चले छत पे चल पायल, चाय फिर ठंडी हो जाएगी, चाय तो पी ले। चाय पी लेती हूँ पहले, फिर छत की सफाई करते हैं। उसके बाद सारे फल फ्रूट धो के परात ले, नीचे से परात में रखते हैं, उसके बाद जो है खीर की तैयारी करते हैं। हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने ना चूल्हा भी इस साइड पे कर दिया, और हमारा जो चूल्हा है ना, चूल्हा भी आ गया है, और तांबे का बर्तन मंगवा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है हमारे पास तांबे की इतनी बड़ी बड़ी 3 थाले है, तो पहले वो थाल मंगवा लेते हैं नीचे से, उसमें सारे फल फ्रूट जितने भी है ठीक है वो धो देंगे। फल फ्रूट दोनों एक ही बात होती है। तो गाइस यहाँ पर हो रही है हमारी इवनिंग टी की तैयारी। और एक बात और बता देती हूँ, ये वाला जो सूट है ना, आज से पायल ने 1 महीने पहले पहना था, उस टाइम पे मेरे को सूट ना फंस भी नहीं रहा था, मुझे ठीक आ रहा था, और पायल को बिल्कुल ठीक आ रहा था। अब मेरे को ये सूट आ रहा है एकदम सही तरीके से। वैसे ये वाला सूट भी मैंने पहना था पर ये तुझे फंस रहा था, पर फंस रहा था। तो अब मैं ये सूट को रखूंगी संभाल के, और आने वाले 15 से 20 दिन में सूट पहनूंगी। तो धीरे 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 ना वेट लॉस भी हो रहा है। हम लोग देखो बहुत मेहनत करते हैं, मैं और पायल, अरमान जी भी, क्योंकि देखो इतनी बड़ी टीम संभालना बहुत मुश्किल बात होती है। हम सुबह उठते हैं, जिम करते हैं, व्लॉग्स लेते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो अभी हमारी जो चाय है, टी टाइम हो रहा है। गोलू ये पकड़ी हूँ तांबे की परात, इसमें ना तांबे का मैंने पतीला मंगवा लिया खीर बनाने के लिए, कि वो ध्यान से उतरी हो दीदी हाथ दे। जिन्होंने बताया ना मुझे पूजा के बारे में, सब कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि चूल्हे पे और तांबे के बर्तन में खीर बननी है। ठीक है। और ना मैंने, उन्होंने बोला गेहूं का पिसा हुआ आटा, तो ये मैंने चक्की से मंगवाया था। ओके ठीक है, ये ले लिया। और ये मैंने ना खीर के चावल भिगो के रखे थे, ये भीग गए, ये निकाल देती हूँ पानी, ये भी ऊपर लेके चलते हैं। और ना गाय के दूध में खीर बनने के लिए बोला था, और शुक्र है हमारे घर पे गाय का दूध आया है। हाँ। अभी फ्रेश दूध आया है, और बिल्कुल फ्रेश दूध है वो। देखिए ये तो बच्चों का सुबह वाला है, ये नहीं लेंगे हम, ये हमने जो ऑलरेडी गर्म कर दिया है ना। हाँ, बॉयल ले। फोन ले ले मेरा। हाँ मेरा भी ले रही हूँ। और सुबह जब 4 बजे हम अर्घ देंगे ना, तब हमारा फास्ट शुरू होगा, तो जो ये खीर बनाऊंगी ना मैं, हाँ जी, इसकी खीर का यहाँ पे भोग लगाना है। ओके वो ले ले बेटा, चलो ए टू जेड हो जाओ। तो यहाँ पर ना जैद के लिए आई, उसके भाई बहन बोले लेदी, और जैद को पिना दिया मम्मा ने फुलू कपले, क्योंकि ऊपर है बहुत ठंड, तो नीचे शकीवी शॉर्ट्स, और ये हो गई मेरी रसमलाई रेडी, रसमलाई। तो यहाँ पे खेल रहे, इसको नहीं पता कितनी ठंड है। जो जो टोपी पिना दू, जो पाल दो दो टोपी पिना दी, ओए गंदी, इसे हिला नहीं जा रहा मोटे कपड़ों में, हिला नहीं जा रहा, ठंडू ठंडू। तो गाइस सबसे पहले ना मैंने सारे फ्रूट्स हैं उन्हें धो के रख रही हूँ। गोलू मुझे फ्रूट पकड़ा बाबू। हाँ पकड़ा रही हूँ, ये ले पाले सारे, एक एक करके देना, मैं फटाफट धो के रख। ये बड़ा नारियल भी देना है, सब कुछ सब कुछ। आप लोगों से यही बात बोलनी है कि देखो अगर कोई भी भूल चूक हो ना, तो जरूर कमेंट में बताना ये गलती हुई, ताकि अगली बार हम ये गलती ना करें। और माता जी से यही प्रार्थना है कि कोई भी भूल चूक हो, हम लोग दिल से कर रहे हैं सब कुछ, तो माफ करें हमें। तो गाइस अभी ना दोबारा पानी भर रहे हैं, और जो पानी था ना जो इस परात में था, तो वो हम पानी ना अगले दिन पौधों में डालेंगे, क्योंकि पौधों में भी पानी डालने का समय नहीं है, सो रहे हैं। मॉर्निंग में हम रोज पानी डालते हैं, तब डालेंगे। गाइस जितना हमें पता था ना, जो जो हमें मिल रहा था, हमने सारा फ्रूट ले लिया। इसमें शकरकंदी है, सिंघाड़ा है, अदरक है, आलू है, मूली है, अमरक है, आंवला है, सारे फ्रूट है यहाँ पे, फ्रूट और सब्जी दोनों। और ना किसी ने ये बात बोली थी कि ना पत्ता होना बहुत जरूरी है, पत्ते वाली सब्जी, पत्ते वाली, तो ये पत्ते वाले अदरक है, अदरक अदरक और वो है हल्दी, और वो है अदरक,
हल्दी और अनियन, पाइन एप्पल भी है। दोनों का टोकरा एक ही है पर फ्रूट जो है वो हमने डबल डबल कराए। तो ये वाला जो नारियल था ना इसमें ना बहुत सारा ना मतलब कुछ चिपका हुआ था मुझे नहीं पता, तो दो बार अभी वॉश करना पड़ा। तो भाई ये वाला पानी तो फिर पौधों में नहीं डाल सकते ना? नहीं बोलो ये पानी वो थोड़ी है। अच्छा इसलिए तो मैंने बाल्टी के ऊपर ये रख के कराया सारा। तो गाइस 15-20 मिनट लग गए फ्रूट्स होने में। अब इसको छान दूं? नहीं, सुखाना नहीं है। हो जाएगा, टोकरी को पेंट करना है ना सुबह। ठीक है पेंट करेंगे इसे। हम ना सुबह पेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीकू की स्पेशल डिमांड थी, मम्मा मैं एक ही छत पे सोऊंगा पेंट मत करना। मैंने कहा ठीक है, उसको बड़ी शौक, उसको बड़ा मतलब चाय पेंटिंग का। मैंने कहा कल चीकू के साथ मिलके करेंगे, उसकी स्कूल की छुट्टी भी है। आगे फ्रूट्स उसमें करते हैं। ठीक है वैसे तो चूल्हा बिल्कुल शुद्ध ही है, फिर भी मैं गंगा जल से ना ये पूरी जगह जहाँ पे प्रसाद बन रहा है उसे शुद्ध कर रही हूँ। पहले मैंने पानी इसलिए डाला है ताकि जो दूध है ना वो पतीले में लगे ना, फिर मैं डाल रही हूँ दूध। अभी इसमें पहले इस दूध में ना मैं चावल को वो करूंगी अच्छे से पकाऊंगी, उसके बाद एक्स्ट्रा दूध और डालू। सही लग रहा है आपको? आपको सही लग रहा है यहाँ पे वैसे? तो बच्चों को ऐसा नहीं है, छत पे हम लोग हवा में ले आए हैं, यहाँ पे चूल्हा जलाना था इसीलिए मैंने सोचा बच्चे थोड़ा हमारे साथ छठ पूजा को जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो हम तैयारी कर रहे हैं, सब इंजॉय करें हमारे साथ। तो मैंने खीर के लिए चावल पहले से ही भिगो के रखे हुए थे, ये जल्दी जो है ये पक जाएंगे चावल में। बोलू यार, देखियो यार देखो कितने प्यार से देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ना जितने भी फ्रूट्स हैं सारे सूख गए हैं, इनको मैं टोकरी में डाल देती हूँ, सारे अच्छे से धुल गए ताकि ना उनको थोड़ी हवा लग जाए और सारे मतलब कि थोड़ा थोड़ा ना पानी है ना सब निकल जाए, जैसे पत्तों में पानी रह जाता है तो इनको मैं ऊपर ऊपर की तरफ। उबाला आया क्या दूध में? देखियो नहीं। तो यहाँ पे गाइस मैं प्रसाद के लिए जो रोटियाँ बनती है ना वो बना रही हूँ, उसका आटा गूंद रही हूँ। और ये मैंने चक्की से स्पेशल जो हम लोग खाते हैं ना, हम लोग पैकेट वाला खाते हैं, पर ये मैंने गेहूं का पिसवा के मंगवाया है। तो गाइस प्रसाद के लिए जो रोटी बननी थी उसके लिए मैंने आटा गूंद दिया है, गोलू से ढक के रख रही है। पहले खीर बन जाएगी फिर यहीं पे तवा लेके आऊंगी और रोटी बना दूंगी इसके ऊपर। तो गाइस धीरे धीरे जो है खीर बनने की तैयारी हो रही है और जो है दूध में उबाला आ रहा है, बस एक बार खीर बन जाए उसके बाद बाकी का काम होगा। अरे वो पागल औरत कहाँ गई, मेरा चमचा लेके चली गई, एक हाथ से लाऊं खीर चमचा नहीं चले गई। मैं लेके आती हूँ, मैं खिला दूंगी। चमचा का है मेरा चमचा ना, तो नीचे रखा ही। अच्छा एक बात बता दो, रोटी जब बनाएगी उसके लिए तो आटा भी नहीं है वो मेरा कहीं। चकला बेलन भी चाहिए? जाती हूँ। एक काम कर अभी तो थोड़ी देर रुक जा, चमचा तो मेरे को अभी चाहिए क्योंकि मेरा दूध ऊपर आ जाएगा। जा बेटा निक्की शाबाश झंडे गाड़ के लेकर आ। अब बेटा मेरी उम्र हो गई तुम बच्चे जाओ, बार बार सीढ़ी उतरना चढ़ना भी मुश्किल है। बच्चा दे दे दूध आने वाला है मेरा ऊपर। जल्दी 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 मैं तब तक गैस सिम कर रही हूँ, जल्दी ले आओ। तो बस प्रसाद की जो खीर है ना वो मेरे को लगता है आधे घंटे के अंदर अंदर बन जाएगी, दूध में उबाला आने लग गया और निक्की सब कुछ ले आई एक साथ। वेरी गुड बेटी, वेरी नाइस बेटा, वेरी। और अभी भी आटा नहीं आया, रोटी कैसे बनाएंगे? सूखा आटा नहीं आया, कोई बात नहीं वो जाके मैं ले आऊंगी दोबारा। अभी अभी सूखे आटे की जरूरत नहीं, अभी तो खीर बन रही है ना, खीर अभी बेटी टाइम है, कोई बात नहीं, क्या पता कुछ और याद आ जाए। तभी नहीं आया या लकड़ी से लकड़ी आगे करनी पड़ रही है। सिम कैसे करूं? आग सिम कर जल्दी। कर दिया जब भी तुझे लगे ना उफान आ रहा है उबाल आ रहा है तो करछी उसके अंदर डाल दो और फिर वो आता नहीं उफाना। पर अगर हम इसमें छोड़ देंगे ना तो करछी गर्म हो जाएगी, जैसे उबाल आए करछी एक बार हिला दो इसके अंदर, अभी बनने वाली थोड़ी देर में ले पकड़। तो गाइस यहाँ पे हमारे जेठ जी भी आ गए। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। राम राम सभी को। मेरे को देना चाहिए, तुम दे रहे हो। मैंने बोला राम राम सभी को। राम राम। राम राम। तो भैया पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या बना दिया? खीर भैया, खीर। खीर बन रही है भैया, बन जाएगी, छठ पूजा है ना। पायल ये उबल क्यों नहीं रही? उबल रही भैया, मैं बीच बीच में करछी मार रही हूँ ना, उबलेगी तो दूध बाहर आ जाएगा ना। अच्छा तो गाइस अभी लग रहा है आधा घंटा और लगेगा खीर बनने में, रोटी की बारी पता नहीं कितनी देर में आने वाली है। और किसी ने मुझे बोला था कि छठ पूजा में ना येलो कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, तो मेरे पास ये येलो सूट पड़ा था। मुझे नहीं बताया नीचे, मुझे नहीं बताया नीचे। तेरे पास और ये किसने निकाला था दिल्ली? तूने। तेरे पास येलो क्या था? मेरे पास तो था ये नहीं, तो तू बताती तो मैं अपने लिए येलो कुछ ना कुछ तो निकालती। सही, कल तो हमें परसों तो हमें साड़ी पहननी है, कल भी साड़ी पहननी है, पर हमको कॉटन की साड़ी चाहिए। कोई नहीं साड़ी। पायल जी ये थाली में परात में भैया इसमें मैंने आटा गूंद के रखा है, तो रोटी कहाँ? इसी पे बनेगी? चूल्हे पे? चूल्हे पे रोटी बनेगी। फिर तो रात को 2 बजे नसीब होगी रोटी तो। नहीं अभी थोड़ी खानी है, ये तो पूजा करनी मुझे। अच्छा, सुबह 4 बजे। अच्छा सुबह 4 बजे तो पूरी रात ऊपर बैठेगी? नहीं नहीं अभी प्रसाद वसाद बना के सारी तैयारी करके
एक इसमें टंकी में पानी भर के सुबह रख देना ना 4 बजे। अच्छा, उगते सूरज को ना, फिर पानी के बीच में खड़ा होना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर ना हमारी जो भोग की खीर है वो रेडी हो चुकी है। और ना जो खीर है, मैंने पहली बार ऐसी खीर देखी, क्योंकि गुड़ वाली खीर कभी जिंदगी में नहीं ट्राई करी। तो गुड़ की वजह से ना इसका कलर भी बिल्कुल ब्राउनिश ब्राउनिश है। तो हमें किसी ने बताया, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी कि गुड़ कैसे डालते हैं खीर में। गुड़ डायरेक्ट अगर डालेंगे तो खीर दूध से बनती है, दूध फट जाएगा। तो उसको हल्का सा पानी में गुड़ को हिला कर फिर आपको खीर में डालना पड़ता है। गोलू, हाँ, तो सेक देगी रोटी या पान? रुक जा, मैं आ रहा हूँ। मेरे को इसका आइडिया नहीं है ना। कालू भैया, कालू भैया आप सेक दोगे? अरे अभी रुक जा, मेरे को दे दे, ये दे दे, आंच पे सेके, फुला फुला के रोटी देखना। अभी ऊपर तो सेकने दो पहले। तो ऊपर तो मैं देख रहा हूँ। आपको पता ना भैया, हमारी गैस तो पलट दो, थोड़ी स्लो है। पलट दो रोटी, पलट दो भैया। मैं कर लूंगा, तू अपना काम कर। कच्ची थी, लो कर लो, कर लो कच्ची थी। फिर तू ही बोल दिए बीच में। कोई नहीं, कोई नहीं। तो गाइस मैंने ना बहुत रोटियां बनाई है गांव में अपने चूल्हे पे। सुनो, पहले रोटी निकाल दो, प्रसाद के लिए बन रही है ना। तो आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारी तुलसी माता ने थोड़ी शांत हो गई है बिल्कुल, तो वो मेरे को पास में जाने देती है। चलो अच्छा है। अरे वाह, अरे वाह कालू भैया, अरे वाह कितनी प्यारी रोटी है। कालू भैया आपको इस तरफ बैठना चाहिए। हाँ, उधर ही आना चाहिए, तेरे को इधर आना चाहिए। मैं इधर फेल के तो दे रही हूँ, मैं इधर आ जाता। कोई बोल दे जल्दी हुई। बस भैया ये अब उसके लिए ले, रोलू कह रोलू कौन है? कभी कभी को गोलू, कभी गोलू, कभी गोलू। एक प्लेट और चाहिए थी बेटा, साफ लाऊं? हाँ लानी पड़ेगी। वैसे एक बात बोलूं, पर ये परात जितनी बड़ी है ना भैया, है गाँव में भी ऐसी होती है? गाँव में परात इससे बड़ी होती है। इससे बड़ी परात, इसी में रोटी बनाओ। मेरे घर में थी इससे बड़ी, तांबे की, और इसी के अंदर रोटी बेलते हैं। रोटी भी अंदर बेलते हैं भैया, जैसे ये तो इस पे बेलते हैं ना, मेरी मम्मी बेलते हैं, उसी के अंदर बेलते हैं। अंदर कैसे यूं ऐसे? हां मेरे, हमारे पास इससे इतनी बड़ी परात थी भैया, तांबे की, और पूरी चमकती थी। मेरी मम्मी तो ने अच्छे से, और राख से, राख से बर्तन धोते हैं गांव में। राख से मां सबसे शुद्ध होती है। राख क्यों होती है? ये अपनी जो चूल्हे की राख होती है। अच्छा, ये राख नीचे वाली? ओ भाई गर्मी, कल भी रोटी है। बोलो हमें 11 बजे से पहले पहले पूजा करनी है, फटाफट। हां अभी तो 1 घंटा पड़ा है, घी लगा हुआ है ना पहले। बस भैया लो, आग लगी तभी भी, तभी भी की है ना। रोटी तो खराब नहीं होगी भैया, एक बार उतार लो तवा नीचे। तो हमारे तवे में ना वो आग लगी है, इसके अंदर ना पराठे बनाए हुए हैं तवे में। पर ये तो धुला हुआ है भैया, साफ लेके आए हम। ये साफ है बेटा, मामू चीनी का कंटेनर प्लास्टिक का है, नहीं बोलो एक। तो गाइस हमें किसी ने बताया 10 रोटी बनानी थी, हमारी 10 रोटी जो है। पायल ये भी बताया गाइस हमें कि ना नीचे से ना ताकि तुलसी का पत्ता तोड़ के लाओ। तो मैंने बोला कि रात को तुलसी नहीं तोड़ते, कह रहे छठ के टाइम पे आप तोड़ सकते हो, ये होता होगा। और खीर में भी डालनी है तुलसी, और खीर में डालनी है, खीर में तुलसी डालनी है। इसको वहाँ पे गंगा जल से लिपना है। मैं करती हूँ बाकी, तो एक काम कर, साड़ी निकाल। अच्छा अच्छा, तो गाइस यहाँ पे हमारी पूजा हो रही है, और जैसे हमें समझाया था वैसे सेम कर रहे हैं। तो ये हमने गुड़ की खीर बनाई है, तो जैसे जैसे हमने सिखाया है ना, हम वैसा वैसा कर रहे हैं। ये फूल चढ़ाई थी, मूली निकाल वहाँ से, मूली यहाँ पे बीच में। हाँ यहाँ रख दे, सबको टीका लगाने, छिड़का मार दे, मेरे भी कर दे। मेरे को ना एक्चुअली गाइस कोल्ड हो गया है बहुत ज़्यादा, नीचे से ऊपर। हाँ कोई भूल चीज नहीं। तो गाइस फास्ट रखने से पहले जो पूजा मुझे बताई थी वो पूजा हमने कर ली है। अब कल है हमारा छठी का फास्ट, और सुबह उठना है सुबह सुबह 4 बजे। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।